इसमें सिलेंडर होते हैं। मोटरसाइकिल में कभी एक सिलेंडर होता है, दो सिलेंडर की होती है, ट्रक आठ सिलेंडर की, दस सिलेंडर की होती है। हिंदुस्तान में, मान लो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के इंजन में दस सिलेंडर है, काम सिर्फ एक सिलेंडर कर रहा है, मतलब 90% लोग बाहर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, और उनके सिस्टम में कोई भागीदारी है, भागीदारी नहीं। उनके सिलेंडर में ना पेट्रोल मिलता है, ना मेंटेनेंस होती है, ना कोई चेकिंग होती है। एक सिलेंडर छोटा सा टक 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 चल रहा है, कह रहे हैं भैया दुनिया में, और कहते हैं भैया सुपर पावर बन जाएगा। कैसे सुपर पावर बन जाएगा? 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हुए हैं, हुनर उनके हाथ में है, स्किल उनके हाथ में है, ज्ञान उनके हाथ में है, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इसीलिए हमने जाति जनगणना की बात उठाई है। महाराजा वाला, वो शाहनशाह वाला मॉडल हमने मोदी जी को यह करवा दिया। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर। चुनाव के एकदम बाद ये मैंने कहा, देखो हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने सिर झुकवा के कॉन्स्टिट्यूशन से मत्था लगवा दिया। ही नहीं, जिसके पास स्किल है, जिसके पास हुनर है, जो काम करना जानता है, उसकी इज्जत है ही नहीं। रियलिटी है ये देश की। और ये सारे के सारे जो नेटवर्क्स हैं, 21वीं सदी में हम इसको नेटवर्क कह सकते हैं, चाहे ये बड़ैयों का नेटवर्क हो, मूछियों का नेटवर्क हो, धोबियों का नेटवर्क हो, इन सब में बहुत गहरी स्किल छुपी हुई है। हाथ मिलाने से पता लग जाता है। आप धोबी से हाथ मिलाइए, वो ऐसा दबाता है हवा निकल जाती है। मैंने किया है, वो जैसे पकड़ता है ऐसे लगता है कि भैया 10-15 लोगों ने पकड़ लिया हाथ। आप बड़ाई का हाथ पकड़िए, उसमें दिख जाता है। और फिर मैंने मोची भाई से बात की, और मैं जो सिस्टम में काम करते हैं उनसे भी बात करता हूं, तो मुझे अंदर से दिखता है, बाहर से भी दिखता है। तो फिर जब मैं उनके साथ बैठा था, मुझे एक बात याद आई। यूपीए की सरकार थी और स्किल डेवलपमेंट मिशन यूपीए के सरकार ने शुरू किया, मतलब उसमें एक नए व्यक्ति को चीफ बनाया, और उन्होंने मुझसे टाइम मांगा, तो मैंने कहा मिल लेता हूं, तो आए। टाटा कंपनी के लिए काम करते थे, आए बैठे, और उन्होंने मुझे, इंजीनियर थे शायद, उन्होंने मुझे हिंदुस्तान की जो स्किल डेवलपमेंट है उसके बारे में उन्होंने बोला। मैं सुना, आधा घंटा बोले कि हम आईटीआई बनाएंगे, आईटीआई में लोगों को ट्रेनर बनाएंगे, ये पूरा उन्होंने डिस्कशन किया, मैं सुन रहा था। और फिर मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा देखिए आप आईटीआई में ट्रेनर लाते हो, वो बढ़ई को कारपेंटरी सिखाता है, प्लम्बर बनाता है, मगर आपने एक बात कभी सोची? कहते हैं क्या,
कि आप कह रहे हो स्किल डेवलपमेंट, मगर हिंदुस्तान में स्किल की तो कोई कमी नहीं है। मतलब आप आईटीआई में बढ़ई तैयार कर रहे हो, मगर हिंदुस्तान में लाखों पर बढ़ई हैं, उनसे आप क्यों नहीं ट्रेनिंग कराते? तो ये थोड़ा चौंक गए। मतलब मैंने कहा मतलब बता देता हूं। मान लीजिए आपको नाई ट्रेन करने हैं, आप सर्टिफिकेशन सेंटर खोल दीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट में आप एक सर्टिफिकेशन सेंटर खोल दीजिए और उत्तर प्रदेश के हर नाई को कह दीजिए, देखिए भैया आप गुरु हो, आप शिष्य लो, उनको तैयार करो, अपनी अपनी दुकान में तैयार करो और फिर उनको सर्टिफाई करो। अगर आपके जो शिष्य हैं सर्टिफाई हो जाएंगे, आपको हम 100, 200, 500 हजार रुपए बैंक अकाउंट में डाल देंगे। मतलब जो स्किल का नेटवर्क है उसका प्रयोग क्यों नहीं करते आप? बिल्कुल चुप हो गए। रायबरेली गया था और वहां मुझे मोची की दुकान दिखी, तो मैं वहां रुक गया। मैं उनके पास जाके बैठ गया, समझना चाहता था ये कर क्या रहे हैं। बातचीत हुई और मैं उनको देख रहा था, मोची हैं, हाथ में अनलिमिटेड स्किल थी उनकी। मतलब 30-40 साल का एक्सपीरियंस था। मैंने वो जूता लिया, मैंने बनाने की कोशिश की, वो मतलब सवाल ही नहीं उठता। मतलब मुझे 1-2 साल लग जाएंगे मतलब शुरू करने में। बातचीत हुई, मैंने पूछा क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। उन्होंने कहा ये जो मेरा बेटा है ये पहले मेरे साथ काम करता था, अब नहीं करता है, ये भाग गया, चला गया। तो मैंने कहा नहीं है। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि राहुल जी, मेरी लाइफ में सिर्फ एक व्यक्ति ने, मेरे पिता ने मेरी रिस्पेक्ट की है और किसी ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, और ये सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने कहा, उनसे कहा कि तुम्हें मालूम कैसे कि मजाक उड़ाते हैं? नहीं, कभी कभी तो मुझे सीधा बोल देते हैं और कभी कभी दूसरे लोग मुझे आके कहते हैं। मैं जब जा रहा था मैं सोच रहा था, इतना हुनर है, इतनी स्किल है और किसी से इनको इज्जत नहीं मिल रही, और ऐसे हजारों लोग हैं और ये हिंदुस्तान में हर रोज हो रहा है।